नागौर जिले के पादुकला में एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देश पर रिया क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की गई। नागौर की स्पेशल पुलिस टीम ने स्थानीय टीम के साथ मिलकर अवैध बजरी खनन करते 20 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है और करीब 12 डंपर, 3 जेसीबी मशीन सहित बड़ी मात्रा में अवैध बजरी खनन का सामान बरामद किया है। गौरतलब है कि रिया बाड़ी क्षेत्र में प्रतिदिन लाखों रुपए का बजरी का काला कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। रात्रि को श्रीमान एसपी साहब नागौर के निर्देशन से कालियावास और इस क्षेत्र में जो बजरी का खनन हो रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु वहाँ से रवाना की गई और सभी लोगों ने इस बजरी खनन के में लगे लोगों को घेर करके लगभग 11 डंपर, जिनमें से 4 डंपर बजरी से भरे हुए थे, बाकी खाली थे, उनको पकड़ा। और इसके अलावा और वहाँ पर इस खनन में जो लगे हुए लोग थे वहाँ पर शांति भंग कर रहे थे, उन लोगों को भी 151 CRPC के तहत गिरफ्तार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।